कमला अपनी ग्रैंड मदर के पास जयपुर के आउटस्कर्ट एरिया में अपनी छुट्टी मनाने के लिए आई हुई थी। उससे पहले वो इंग्लैंड में रहती थी एंड इंग्लैंड में उसने बहुत बिजी लाइफ देखी थी। उसकी ग्रैंड मदर जो कि जयपुर में थी, वहाँ भी उसे ट्रैफिक एंड बिजी लाइफ ही मिलती थी। लेकिन जब कभी भी कमला अपने छत पर जाती थी तब वो मिलेट्स के, वीट के बहुत बड़े बड़े खेत को देखती थी और उसका हमेशा मन करता था कि मैं इस पार से उस पार जाऊँ। और एक बीच में ट्रैफिक रोड आता था जो कि इन दोनों गाँव और शहर के बीच में बाउंड्री का काम करता था। एक दिन कमला ने डिटरमाइन कर लिया कि वो इस बाउंड्री को क्रॉस करके उधर के वर्ल्ड में जरूर जाएगी और उसका एक्सपीरियंस करेगी। और एक दिन जब उसकी ग्रैंड मदर सो रही थी दोपहर के टाइम में और उसके मेड सर्वेंट बाजार गई हुई थी, उस समय वो चुपके से घर से बाहर निकल जाती है और उस फील्ड को क्रॉस करके, उस बाउंड्री को क्रॉस करके उस फील्ड में पहुंच जाती है। और वहां पर वो देखती है कि एक कैमल है जो कि कुएं के चारों तरफ चक्कर निकाल रहा है और वहां पे ऐसा सेटअप किया हुआ है कि उसके चक्कर निकालने से एक व्हील घूमती है और उससे पानी पूरे खेत तक पहुंच जाता है। कमला पूरी तरीके से सरप्राइज थी, इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर उसे और कोई भी पर्सन दिखाई नहीं दे रहा था। आफ्टर दैट कमला थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करती है और उसके बाद उसे एक मैंगो ट्री दिखाई देती है जिसके नीचे एक लड़का गहरी नींद में सोया हुआ है। उस लड़के का नाम रहता है रोमी। कमला बहुत स्ट्रेंजली उस विलेज बॉय को देखती है बिकॉज आज तक उसने कभी भी इस तरीके से किसी विलेज बॉय को नहीं देखा था। और उसकी परछाई जब उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो लड़का जाग जाता है। उसके बाद इन लोगों के बीच में इंट्रोडक्शन होता है, ये लोग एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। एंड आफ्टर दैट जब उस लड़के को भूख लगती है तब वो बगल में पड़े हुए मीठे मीठे डिलीशियस मैंगोज़ को खाता है एंड कमला को भी ऑफर करता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि वो स्विम भी कर सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है और यहाँ तक कि वो कुश्ती भी जानता है और वो किसी भी पेड़ के ऊपर आराम से चढ़ सकता है। एंड उसके बाद देखिए ये लोग ब्लू जेज के बारे में बात करते हैं। ब्लू जेज एक टाइप की बर्ड होती है। इससे रिलेटेड एक कहानी कमला रोमी को सुनाती है जिसमें शिव भगवान पॉइजन को पी लेते हैं और इसीलिए इन ब्लू बर्ड्स का जो थ्रॉट है वो भी ब्लू हो चुका है। उसके बाद ये लोग स्क्वायरल के बारे में भी बात करते हैं और रोमी भी बताता है कि स्क्वायरल जो है वो कृष्णा जी के बहुत ज़्यादा फॉन्ड हुए करते थे और इसीलिए गिलहरी के ऊपर चार लाइन होते हैं बिकॉज कृष्णा जी उन्हें प्यार से पैम्पर किया करते थे स्क्वायरल्स को। आफ्टर दैट देखिए ये लोग दोनों एक पास के स्ट्रीम में जाते हैं और वो स्ट्रीम बहुत ही मडी रहती है और उस रिवर में डुबकी लगाता है रोमी एंड उसे अपनी स्विमिंग एक्टिविटीज़ दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा स्किलफुल है। और जब वो लोग वापस आते हैं तब उसके वो देखती है कमला कि उसके स्कर्ट में भी थोड़ा सा मड लगा हुआ है और वो सोचती है कि मैं अपने ग्रैंड मदर को क्या बोलूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर हेरॉन का डिस्क्रिप्शन है। हेरॉन क्या होता है, जिसे हम बगुला बोलते हैं, और उसके बारे में भी है। और उसके बाद जब वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इनको एक टॉर्टाइज मिलता है और उस टॉर्टाइज को जब रोमी उठाता है तब एक छोटा सा होल दिखाई देता है ज़मीन पर और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर टॉर्टाइज के 6 वाइट एग्स रखे हुए हैं। उसके बाद कमला उसको बोलती है कि तुम इस एग्स को यहीं पर रख दो एंड ये जो टॉर्टाइज है इसे भी यहीं पर रख दो। तब वो उसे वहीं पर वापस रख देता है। एंड कमला आफ्टर दैट बोलती है कि उसे ज़रूर जाना होगा क्योंकि अब शाम होने लगी है। एंड उसके बाद वो देखती है कि उसके आस पास एक फ्लूट रखा हुआ है तो वो उसे फ्लूट के बारे में पूछती है। वो उसे फ्लूट को प्ले करके दिखाता है और जैसे ही वो प्ले करता है एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा प्लीजिंग हो जाता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स सभी बहुत प्यार से सुनते हैं उसके फ्लूट प्लेइंग को। एंड आफ्टर दैट कमला बोलती है कि तुमने ये सीखा कैसे, तो वो बोलता है कि मुझे खुद से ही आ गया। एंड उसके बाद वो कमला को बोलता है तुम भी ट्राई करो बजाने का, लेकिन ये बोलती है मुझे नहीं आता। बट रोमी बोलता है कि ये तुम्हें खुद से आ जाएगा और जैसे ही वो बजाती है थोड़ी सी श्रिल वॉइस निकलती है, एक पैरोट जो रहता है पूरी तरीके से स्टार्टल हो जाता है। स्टार्टल्ड मीन्स हो जाता है भौचक्का हो जाना। उसके बाद वो उसको बोलता है कि इस फ्लूट को तुम ही रखो। एंड ये लोग दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग वापस ज़रूर मिलेंगे। एक साल बाद वो वापस यहाँ पर आएगी, तब वो रोमी से ज़रूर मिलेगी और किसी न किसी दिन रोमी को अपने घर भी लेकर जाएगी। रोमी उसको जाते हुए बाय करता है, थोड़े डिस्टेंस से उसको देखता है और वो उसको बोलती है दैट आई विल नॉट फॉरगेट, आई विल कम बैक। और लेकिन उसकी जो आवाज़ रहती है वो डिस्टेंस के कारण हवा में इधर उधर खो जाती है और रोमी तक नहीं पहुंच पाती है। यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। एंड एवरीवन आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको पर्टिकुलरली ये चैप्टर समझना है तो इसका लिंक भी मैं दे देती हूँ और ये सारा पर्टिकुलर वीडियो मेरे चैनल पर अपडेटेड है। थैंक यू सो मच।